ये सम्मान नहीं है, ये आशीर्वाद है गुरुदेव का। अनीता जी सोनी, भाई श्री अरुण कुमार जी भांगड़िया, श्री अशोक जी गिल्डा, श्री कमल नारायण जी राठी, श्री पंकज जी नावंदर, श्री रमेश जी कलंत्री, नाम से संबोधन करते हैं इनका हम, श्री श्याम जी बाहेती, श्री श्याम सुंदर जी बियानी, श्री मुझे संबोधन करने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे लगा कल के मेरे संबोधन के बाद में महेश बैंक का चुनाव तो अलग रह गया, सारा फोकस महासभा के सभापति पर हो गया। मैं इस बात के लिए भाई रमेश जी बंक भी उल्लेख कर लूं, कई रमेश होते हैं, भाई रमेश जी बंक और उनके सहयोगियों का हृदय से साधुवाद व्यक्त करता कि जो आपका स्वभाव रहा है, जिसे हमने पिछले वर्षों में पहचाना है मैनिपुलेशन करने का, उस मैनिपुलेशन के तरीके से रात को शायद 10:30-11 बजे मेरा उद्बोधन कल खत्म हुआ और रातों रात 12:30-1 बजे से कई तरह के वीडियो आप सबके मोबाइल पर आने लगे। मगर जिन लोगों ने समाज की पिछले 45 साल से सेवा करते हुए मुझे देखा है, मैं मानता हूं उन किसी को ऐसे वीडियो को समझने करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे भी मेरे गुरु ने बहुत बचपन में एक बात सिखाई थी कि बेटा नेवर आर्ग्यू, योर फ्रेंड डोंट नीड इट,
एंड योर एनिमी विल नॉट बिलीव इट। और मैं जानता हूं कि गत सत्र में इस समाज का काम करते हुए हमारे प्रादेशिक सभा के अध्यक्ष हर नारायण जी राठी सभा में बैठे हुए हैं, माहेश्वरी समाज को एक पिंजड़े से निकालकर जो व्यापक रूप इस हैदराबाद में प्राप्त हुआ है उसे मैं भूल नहीं सकता। और कैसे भूल सकता हूं, पिछले वर्ष की महेश नवमी को मैं जब इसी भवन से आपके 4-5 हजार लोगों की भव्य रैली और फिर जहां 8 हजार लोगों में आपने जो यात्रा की समाप्ति की और हम लोगों का वहां संबोधन हुआ, कल आरोपों में मुझे जड़ा गया कि समाज के सभापति होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आपने समाज को जोड़ना चाहिए। मैं हैदराबाद वासियों से पूछता हूं कि पिछले 3 सालों में महेश्वरी समाज का जो स्वरूप आपने हैदराबाद तेलंगाना में देखा है, क्या इसके पहले रमेश जी की अध्यक्षता के कालों में देखा है? नहीं। क्या जब से यहाँ जिला सभा में, प्रदेश सभा में, महासभा में प्रतिनिधि गए, क्या खुले लोगों के बीच में से चुन के प्रतिनिधि गए हैं? पिछले 9 साल में यहाँ की सत्ता समाज की आपके हाथों में थी। मेरे एक वीडियो को मैंने तो कल ही, मैं जानता हूं, मैं रमेश जी को मैंने कल बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि पिछले 20 सालों से मैंने उन्हें युवा संगठन में कार्यकर्ता के रूप में आए थे, मैं अखिल भारतीय युवा संगठन का अध्यक्ष हुआ करता था और मेरे सामने जब एक व्यक्तित्व लाया गया और जिसका मैं देखता था कि रोज हिंदी मिलाप में नाम आता है, फोटो आता है, तो मेरे को लगता था कि एक नया युवा ऐसा आया है, कितना काम करता है, प्रेस में पब्लिसिटी आती, और हैदराबाद के वासी उनके भ्रम में आए ऐसा नहीं है। मेरे जैसे महासभा के अनेक साथी भ्रम में आए तब तो वो अर्थमंत्री की पोस्ट तक पहुंचे। समझने लगे तो समाज उठ के खड़ा होता है। जब एक व्यक्ति विशेष अपने आप को संस्था से बड़ा समझे और अपने आप को सर्वोपरि समझे, मुझे बड़ी हैरान हूं मैं, व्यक्ति विशेष बैंक कब से हो गया? हमने तो बैंक के बारे में कुछ नहीं कहा, हमने तो एक व्यक्ति विशेष के बारे में कहा है और उसके जी हुजूर जो समूह है उनके बारे में किया कहा है और सच्चाई कही है, गलत कहा है। लेकिन आप देखिए पूरे पेपर में मुद्दे आज भी वही के वही हैं, उनको एड्रेस नहीं किया गया है। इधर उधर की बात करते हैं, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई इस घृणित सोच के लिए है जहां आप अपने आप को सर्वोपरि समझते हो और आपके चेले चपाटे आपका गुणगान करके पता नहीं आपको कितना महिमा मंडित कर देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है आप और हम सब जानते हैं, एकाधिकारवाद वहां था, वर्षों से कुर्सी का लालच है, सत्ता की लोलुपता है, पद का मोह है और उसके लिए आप किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। अपने आप के फायदे के लिए आपने कानून का, आपने नैतिकता का, आपने नीतियों का धज्जिया उड़ाई है। और एक बड़ी बात जो कहते हैं कि मैंने बेटी का अपमान किया, वो मेरी भी बेटी है, कहां मैंने अपमान किया? आप भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश करते हैं? अयोग्य होना और अनुभवहीन होना दोनों में फर्क है। हमने कभी नहीं कहा कि बेटी अयोग्य है, आपने भले ही 5 लाइन लिख दी होगी, हमें भी उस पे गर्व है, हमने अयोग्य नहीं कहा, हमने कहा अनुभवहीन है। योग्यता भले ही आपकी पढ़ाई से आती होगी लेकिन अनुभव तो समय के साथ ही आता है। और हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल बंधु एक से एक अनुभवी हैं, आपने उनके साथ अन्याय किया है तो प्रश्न तो उठेगा ही। आपने कहा कि हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया, भाई कमल जी यहाँ बैठे हैं, कमल जी से मैं पूछना चाहूंगी क्या हाईकोर्ट का ऐसा निर्णय आया कि वो खारिज कर दिया गया है सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का जो ऑर्डर था कि आपने जो ये चेयरमैन इमेरिटस पद सर्जित किया है ये अनलॉफुल है, अनएथिकल है? मेरे ख्याल से नहीं आया, लेकिन जैसा कि आदत है हर चीज को, हर तथ्य को तोड़ मरोड़ कर
पेश करते हैं और उसके बाद जो उनके चेले चपाटे जी उजूरिए हैं वो उसकी महिमा मंडन करने में लग जाते हैं। तो मुझे यही समझ में आता है कि कोई झूठों की टोली में कोई महफिल में बैठा है। आपने देखा होगा कोई झूठों की टोली में कोई महफिल में बैठा है, कोई सत्ता के मद में, कोई सत्ता के मद में ख्वाब की झिलमिल में बैठा है, सोच रहे हैं वापिस आएंगे, लेकिन समाज का भाव, समाज का मूड और जो अंडर करंट है वो उन्हें नहीं दिखाई देता है। तो कोई झूठों की टोली में कोई महफिल में बैठा है, कोई सत्ता के मद में ख्वाब की झिलमिल में बैठा है, वो करके फेंदरेबाजी है खुश कि फिर जीत जाएंगे, पता उनको नहीं कि फाउंडर्स पैनल समाज के दिल में बैठा है।